हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं यू सीरीज़ की। इसके दो सीजन आ चुके हैं और हम सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। तो आज इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो सीजन 1 में एक लड़का और एक लड़की की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी को हद से ज़्यादा प्यार करोगे तो क्या होगा। और ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जिसकी रेटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखी रही होंगी। मेरे लिए एक क्यूट, साइको और थोड़ी डार्क टाइप की लव स्टोरी है। तो चलिए छोटा सा इंट्रो देखते हुए शुरू करते हैं। और आप सबको कुछ नहीं करना है, यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो स्टोरी शुरू होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जो गोल्डबर्ग, जिसको हम स्टोरी का हीरो बोल सकते हैं और विलन भी। और ये एक बुक स्टोर का मैनेजर होता है। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ग्वेनवियर बेक, इन शॉर्ट बेक। ये एक बुक की तलाश में होती है और वहाँ जो इसको देखता है और बुक को ढूंढने में इसकी हेल्प करता है। और जो को इससे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। और जो को भी लगता है कि बेक भी इसको लाइन मार रही है। तो फिर बेक को वहाँ से जाने के बाद जो अपने अपार्टमेंट जाता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है पाको, जो अपने रूम के बाहर बैठा होता है क्योंकि उसकी मॉम और उनका बीएफ आपस में चिल्ला चिल्ला के लड़ाई कर रहे थे। और ये डेली का होता है। और जो की पाको से अच्छी दोस्ती होती है और जो पाको को अपना खाना देकर रूम में चला जाता है। और अब वो बेक को स्टॉक करना स्टार्ट करता है, पहले सोशल मीडिया पे। और इससे जो को बहुत कुछ पता चलता है बेक के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, कि बेक के राइटर बनना चाहती है, वो कभी कभी लिखती है और वो एक प्रोफेसर के असिस्टेंट की जॉब करती है। और उसके फ्रेंड्स अमीर होते हैं जिनको अमीरों वाले शौक होते हैं। और बेक मुश्किल से अपनी रोजी रोटी चला पाती है। और फिर जो उसको रियल लाइफ में स्टॉक करना स्टार्ट करता है ताकि उसको बेक के बारे में और पता चले। फिर जो उसका घर पता करता है और उसके घर जाता है। और बेक के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है बेंजी, और वो बेक का बॉयफ्रेंड होता है। और वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और जो इन दोनों को घर के बाहर से देख रहा होता है। और फिर वो बेंजी के बारे में पता करता है। बेंजी ने स्टार्टअप शुरू किया होता है और वो उसका सीईओ होता है। वो सोशल मीडिया पर अमीर बनने का नाटक करता है बट रियल में उसका बिजनेस सही से काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो बेक के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करने चला जाता है, लेकिन ये सब बाहर से जो देख रहा होता है और ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद जो अपने रूम में आ जाता है और पाको रूम के बाहर मिलता है और वो जो से पढ़ने के लिए एक बुक मांगता है। तो जो उसको अपने बुक स्टोर ले जाता है और एक सीक्रेट रूम दिखाता है बेसमेंट में, जहाँ एक बॉक्स टाइप का छोटा सा रूम होता है जिसको जो केज बोलता है, जो चारों तरफ से ग्लास का होता है। इस सीरीज में इस बॉक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें पुरानी और लिमिटेड एडिशन बुक्स रखी जाती हैं -65 डिग्रीज पे ताकि बुक्स खराब ना हो। वहाँ वो पाको को बुक्स की सेफ्टी के बारे में बहुत कुछ बताता है और फिर उसको एक बुक पढ़ने के लिए घर ले जाने देता है। और वहाँ रूम पे आने पर पाको के डैड से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि वो बिना बताए पाको को अपने साथ ले गया था। और फिर अगले दिन जो बैग के रूम में चलाकी से घुस जाता है जब वो घर में नहीं होती है। तो वो फिर पूरे घर को चेक करता है और फिर उसको बैग का लैपटॉप मिलता है बिना पासवर्ड के। फिर उसका लैपटॉप चेक करने पर और बातें पता चलती हैं, जैसे बेक के डैड का कोई कांटेक्ट नहीं है तो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। और दोस्तों की चैट्स पढ़ने पर बेक ने एक जगह जो के बारे में लिखा था कि वो जो को डेट करना चाहती है। और तभी बेक घर आ जाती है जिससे जो बाथरूम में जाके छुप जाता है। और जो को पता चलता है कि प्रोफेसर ने बेक को डेट के लिए इन्वाइट किया है, बेसिकली वो बेक से फिजिकली फायदा उठाना चाहता है। और फिर जो चुपके से वहां से निकल जाता है और फिर बेक अपनी दोस्तों के साथ मिलने जाती है अपना मूड सही करने के लिए, और उसके पीछे पीछे जो भी चला जाता है। और वहां पर बेक की एक छोटी सी पोयम परफॉर्मेंस होती है जिसको कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत सैड होती है। तो जो बैग की इंसर्ट नहीं देख पाता और वहाँ से रेलवे स्टेशन चला जाता है। और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद बैग भी वहाँ आ जाती है बट वो बहुत नशे में होती है। इसी वजह से वो ट्रेन की पटरी पे गिर जाती है और जो को उसकी हेल्प करनी पड़ती है और वो ट्रेन के आने से पहले ही उसको बचा लेता है। और फिर बैग जो को पहचान जाती है और फिर जो बैग को टैक्सी में बैठा देता है बट उसकी हालत देख उसको भी उसके साथ बैठना पड़ता है। और फिर वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर बैग सो जाती है। और फिर जब बैग को वो उसके घर ड्रॉप करता है तो वहाँ बेंजी आ जाता है बैग को पिक करने, और जो चुपके से बैग का फोन चुरा लेता है। और बैक को लगता है कि उसने फोन कहीं रास्ते में गिरा दिया। फिर जो घर जाता है उससे पाको मिलता है और उसके डैड ने वो बुक फाड़ दी थी जो जो ने उसको पढ़ने के लिए दी थी। तो फिर वो पाको को लेकर उसी केज वाले बेसमेंट में जाता है और वहाँ वो उसको बुक रिपेयर करना सिखाता है, जो कि थोड़ा अजीब लग रहा था। और बेंजी को एक फेमस आदमी से मैसेज आता है उसके साथ काम करने के लिए, तो बहुत एक्साइट हो जाता है और वो उस बंदे के साथ अकेले मीटिंग करने के लिए जाता है। और वो फेमस आदमी और कोई नहीं अपना जो होता है। और वो बेंजी को उसी बेसमेंट में ले जाता है और बेंजी को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता जो उसके मुंह में एक हथौड़े से वार कर देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जो उसका फोन लेके उसको उसी केज में लॉक कर देता है। और जब बेंजी को होश आता है तो ऑब्वियसली वो बहुत डरा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि एक साजिश थी इसको यहाँ लाने की। जो कोई फेमस आदमी नहीं था, वो एक फेक आईडी थी। पहले तो बेंजी जो को पहचान नहीं पाता बट फिर कुछ टाइम बाद उसको याद आ जाता है कि उसने जो को उस टैक्सी में देखा था बैग के साथ, कि उसने बैग के लिए मुझे केज के अंदर बंद करके रखा है। और जो बेंजी के लिए खाना लाता है जिससे उसको पता चलता है कि उसको पीनट से एलर्जी है।
हैं और फिर जो बैक से डेट के लिए पूछता है और वो उसके लिए हाँ कर देती है। और फिर जो बैक के साथ अपनी पहली डेट पर जाता है जो कि काफी अच्छी जा रही थी, बट बैक की एक दोस्त बीच की वजह से उसको बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। और फिर जो बेंजी से बात करने आता है और बेंजी की पॉकेट में ड्रग का पैकेट मिलता है जिसकी वजह से बेंजी की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था। और फिर इसी बात से जो उसको ब्लैकमेल करता है और बेंजी का फोन अनलॉक करवा देता है और फिर जो उस पर पोस्ट करता रहता है ताकि सबको ऐसा ना लगे कि बेंजी किडनैप हो गया है। और फिर बेंजी जो को बैग के बारे में बुरा बुरा बताने लगता है जो कि जो को अच्छा नहीं लग रहा होता है। बेंजी बताता है कि बैग का कैरेक्टर अच्छा नहीं है इसलिए उसने अपनी प्रोफाइल पब्लिक करके रखी है ताकि तुम्हारे जैसे लड़के उसको स्टॉक करें। और फिर जो वहां से बैग के पास जाता है जो कि एक जगह पर अपने प्रोफेसर के साथ डेट पे थी और एक तरीके से वो प्रोफेसर को रुझाने के लिए आई थी ताकि वो उसको अच्छे मार्क्स देते, बट लास्ट टाइम वो प्रोफेसर के ऊपर भड़क जाती है। उसको अच्छा नहीं लग रहा था जो भी प्रोफेसर उसके साथ कर रहा था और फिर प्रोफेसर वहां से गुस्से में चला जाता है और जो ये सब देख रहा होता था क्योंकि वो भी वहीं पर होता था। और फिर बैक अकेली हो जाती है और वो जो को कॉल करती है और जो बाहर जाके उसकी कॉल पिक करता है और फिर वो जो को उस डेट को पूरी करने के लिए बुलाती है और जो थोड़ी देर का नाटक करने के बाद आ जाता है और फिर वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर बेंजी से बात करने पर वो जो को बैक के बारे में फिर बुरा बुरा बोलने लगता है। वो बोलता है कि बैक सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगी और जब वो किसी दूसरे के पास प्रॉफिट देखेगी तो वो वहां चली जाएगी। और फिर बैक जो को पीच के घर एक पार्टी में ले जाती है और वहां बैक वैसा ही बिहेव करती है जैसा बेंजी बता रहा था। वो जो से दूर दूर रह रही थी और वहां एक बुक शेल्फ होती है जो जो को बहुत पसंद आती है और पीच वहां आती है और जो पर जासूसी करने लगती है, जो से अजीब अजीब सवाल करने लगती है और जो वहां से एक बुक चुरा लेता है। और फिर जब वो दोनों पार्टी से जाने वाले होते थे तभी एक लड़की आ जाती है जो कि जो से कैंडेस के बारे में पूछती है। कैंडेस एक्चुअली जो की एक्स होती है और जो के हिसाब से कैंडेस ने उसका दिल तोड़ा होता है। और फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं और फिर घर वापस आने पर जो पाको को चुराई हुई बुक दे देता है पर पाको बुक को लेने से मना कर देता है अपने पापा की वजह से। तो जो उसको अपने अपार्टमेंट की एक सीक्रेट जगह बताता है बाथरूम की सीलिंग में जहाँ जो अपने सारे सीक्रेट छुपाता है जैसे बेंजी का फोन, बैग का फोन एटसेट्रा। फिर अगले दिन जब वो बेंजी से मिलने जाता है तो वहां वो देखता है कि बेंजी ने सारी बुक्स और जो कुछ भी उस केज में था सब बर्बाद कर दिया है। वो बहुत गुस्से में था इस बात से, जो भी बहुत नाराज होता है और फिर बेंजी जो को अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताने के लिए राजी होता है ताकि इसके बाद वो उसको जाने दे। और वो सीक्रेट बेंजी के लैपटॉप में होता है। एक्चुअली एक पार्टी में बेंजी और उसके सारे दोस्त नशे में होते थे और नशे में एक लड़के को बेंजी धोखे से जान से मर देता है और इस चीज की वीडियो उसके लैपटॉप में पड़ी थी। और फिर बैक अपने प्रोफेसर को ही ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि उसने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया होता है, तो वो उस बात को शेयर करने की धमकी देती है क्योंकि ऐसा उसको जो ने बोला था। तो फिर वो जो को थैंक यू बोलने जाती है और एक डोनट देती है। फिर वो दोनों पहली बार आपस में किस करते हैं। फिर जो बेंजी के पास जाता है और उसको पीने के लिए एक सोडा देता है और उसको बताता है कि तुमने गलत बोला था, बैक गोल्ड डिगर नहीं है। और फिर वो बेंजी को बोलता है कि अगर बात बैक की है तो अब वो कुछ भी कर सकता है। और एकदम से बेंजी जमीन पर गिर जाता है क्योंकि जो ने सोडा में वो सारी चीजें डाली थी जिससे बेंजी को एलर्जी थी और बेंजी की वहीं मौत हो जाती। तो गाइस ये थी स्टोरी सीजन 1 की एंड आई होप यू लाइक इट। बाकी स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू सून। बाय बाय।